एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं करने वाली थी रात का मतलब मैंने बताई नहीं थी। रात का मतलब दर रात को तुम्हें बता के शाम हो रही है। अभी देखो बाहर के भी लाइट भी जल रही है, रगड़ो तेल वाले के बोल दिया। आप अपना होमवर्क कर लो। तो मैं करने जा रही थी फेशियल। तो फेशियल के लिए मैंने यहाँ पर यूज करे रूप मंत्रा के चारकोल फेशियल किट, जो कंप्लीट स्किन केयर विद एक्टिवेटेड चारकोल है। इसमें क्लिंजिंग मिल्क स्क्रब जेल एंड फेस पैक और क्रीम, इसमें 5 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। 4, हाँ 5 मिल जाते हैं आपको। सॉरी अभी रुक जाओ बाबू, आप चुप हो जाओ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाती है बॉक्स में। यहाँ पर इसमें कुछ सीसियां मिलती हैं आपको। मेरे पास एक और थी वो डायमंड की थी, तो मैंने दिशा की करी थी, तो वो मैं सोच रही हूँ दिशा को ही दे दूंगी, क्योंकि वो कर लेगी अपना घर पर। और अभी वैसे भी आप लोगों को पता है पार्लर वगैरह ऐसी सिचुएशन है, तो जाना पॉसिबल नहीं है, और तो वो घर पे कर लेगी। उसने पार्लर का कोर्स किया था, और जस्ट मेरे बगल में दीदी हैं, उनका ऑलरेडी पार्लर है, तो वो घर पर आती हैं। उनसे जैसे मैं भी आप लोगों को हाइलाइटिंग वगैरह उन्हीं से कराई थी मैंने, तो उनसे ही वो करा लेगी। तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्लिंजिंग मिल्क, स्टेप 2 में फेस स्क्रब, फिर मसाज जेल, फिर नरिशिंग क्रीम, फिर फेस पैक, या फेस पैक पहले फिर क्रीम बाद में, इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये रूप मंत्रा की आयुर्वेदिक आपको टीवी पे एड इसका आराम से मिल जाता है, टीवी पे काफी एड आते हैं। और ये आपको यहाँ पर स्टेप भी लिखा, स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क जो कि आपकी 15 ग्राम की मिलती है, मसाज जेल 15 ग्राम, नरिशिंग चारकोल क्रीम 15 ग्राम, और स्क्रब 15 ग्राम, और पैक 15 ग्राम। और ये आपको कितने रेट कितने की मिल जाती है, ये आपको 400 रुपए के समथिंग की मिल जाती है। और आप लोगों को पता है कि चारकोल हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसा कि पता है कि मैंने वीडियो डाली थी, मेरे पास पर्पल से सामान आया था रिव्यू के लिए, तो मैंने उसकी वीडियो डाली थी और उसका टाइटल लाया था जलने वालों को और जलाते हैं। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी लाइफ में इंसान इतना बिजी है कि उसको सामने वाला क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको हमसे जलना है बेफिजूल में, ना तो पर्सनली हमें जानते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन फालतू में खुन्नस निकालने हैं, तो भैया वो तो जलेंगे। तो दो लोगों का वहां पर कमेंट आया, एक थी पता नहीं कौन था नाम भी याद नहीं था, रंजीत कौर, रंजीता कौर करके थी। तो ये तो हमेशा ही इतनी नेगेटिव लेडी है, हमेशा ही नेगेटिव कमेंट करती है। और देखिए मैंने कहा था किसी जो जलेगा उसको तो फर्क पड़ेगा, और जो नहीं जलेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता है जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि हम लोग यहाँ पर ताने सुनने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ करने के लिए लाइफ में काम कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। हम लोग यहाँ पर अपना डेली लाइफ शेयर करते हैं कि हम 24 घंटे में अपने घर का काम, बाहर का काम, अपने यूट्यूब, अपनी बेटी का काम, सारी चीजें हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज हम शेयर करते हैं, कुछ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स भी देते हैं। बट कुछ लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। कुछ लोग तो इतना कुछ बोल जाते हैं, वो हमें ही YouTube के एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं, YouTube में मतलब इस तरह से क्या करना है वो हमें बताते हैं। हमें YouTube पे 2 साल हो गई है, तो इतनी मुझे नॉलेज हो चुकी है कि YouTube पे किस तरीके से काम किया जाता है। मेरा चैनल अभी डाउन हो गया है, रीजन मैंने आपको बताया है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सर्च में नहीं जा रहा है। और ये मेरे साथ ही नहीं, कई सारे यूट्यूब पे आप लोगों को नॉलेज मिलेगा कि यूट्यूब में अरबों चैनल है, तो बहुत सारे चैनलों के साथ ऐसा हुआ है। सिर्फ हो सकता है कि आप लोगों के नॉलेज में ना हो, क्योंकि हम हर किसी को तो देखते नहीं है, और जब हम किसी को देखते नहीं तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। तो वो मेरे से बोलती है कि एक डायरी पेन लिया करो, उस पर लिख लिया कर कि क्या वीडियो में बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर कोई व्लॉग शेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड सीरियल या कॉमेडी वीडियो या कुछ ऐसी चीज शेयर नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम स्क्रिप्टेड हो और हम उसको स्क्रिप्ट में लिख कर और फिर बोलें। नहीं, जो रियल है वही हम लोग शेयर करते हैं, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सारी चीजें मैं खुल के शेयर नहीं कर सकती, रीजन आपको पता ही है, बट कुछ लोगों को तो वो समझ में आती नहीं है।
तो वो हमें बता रही है, हमें ये मतलब हमें पता है वाइट स्टूडियो एक ऐप होता है, जो लोग यूट्यूबर होते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि वाइट स्टूडियो में हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से टॉपिक कहाँ सर्च किया जा रहा है, यूट्यूब सर्च कर रहा है, गूगल से सर्च किया जा रहा है, मेरे नाम कौन से वर्ड से मेरा चैनल सर्च किया जा रहा है रिंगल के नाम से। कई लोग तो पता है मेरे, जो लोग मेरे को या तो मेरे रिलेशन वाले ही होंगे, जो लोग मेरी रियल स्पेलिंग नहीं जानते तो वो पता कैसे सर्च करते हैं, RINKLE रिंकल नाम से सर्च करते, वो रिंगल नाम से भी नहीं करते। तो जब मैं वाइट स्टूडियो देखती हूँ ना, तो मुझे काफी ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मतलब किस किस नाम से मुझे सर्च किया था। कुछ लोग रिंगल के नाम से सर्च करते, कुछ रिंकल के नाम से करते हैं, कुछ जैन ब्लॉक के नाम से सर्च करते हैं, तो काफी तरीके से मेरे को सर्च किया जाता है। तो मैं आपको बस यही बता रही हूँ कि मैं YouTube YT स्टूडियो में सब कुछ पता रहता है कि हमारे में क्या कमी है क्या नहीं कमी। मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं लोग, प्यार से बोलते हैं दीदी आप ऐसे नहीं ऐसे करना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि दलिया वाले वीडियो में कमेंट करे लोगों ने कि दी आप देसी घी का दलिया बनाना बहुत अच्छा लगेगा, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। सजेशन देने देने का तरीका होता है और एक ताने मारने का अलग तरीका होता है। पता नहीं कब तक इनके ताने सुनने पड़ेंगे और भगवान कब मेरी सुनेगा, मेरा चैनल अच्छा सा ग्रो कर जाएगा, उस दिन ये खुद से चुप हो जाएंगे क्योंकि इनका मुंह ही नहीं बचेगा बोलने के लायक। मतलब ये होता है कि मतलब कुछ भी कहना ताने देने को, मतलब ये सिद्ध करना है हम बड़े हैं ये छोटी हैं, इनके हमारे आगे कोई औकात नहीं है, इस तरह से फील कराते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। और हाँ, वो रंजीता और मैडम मेरे से बोल रही थी कि उनके यहाँ मेरी ऐसे काम करने वाली आई हैं, तो मुझे क्या लगता है भाई तुम कुछ भी बोल दो हम कैसे मान लें, हमने तुम्हारा कोई प्रूफ नहीं देखा। मेरी तो भाई तुम लोग लाइफ स्टाइल देखते हो तो तुम बोल सकते हो, लेकिन हमने तुम्हारा कोई प्रूफ नहीं देखा, कोई लाइफ स्टाइल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, तो तुम कुछ भी बोलोगे हम बिलीव थोड़ी ना कर लेंगे। तुम बोलोगे कि हम मुकेश अंबानी की बेटी हूँ मैं, तो हम बिलीव थोड़ी ना कर लेंगे ना। तो बस यही है। तो यार ये लोग है ना, ये देखिए हमें समझ में आता है कि कौन हमें सजेशन दे रहा है, कौन हमें ताने दे रहा है, कौन हमें डिमोटिवेट करने के लिए कमेंट कर रहा है और कौन हमें प्यार कर रहा है। तो प्लीज गलत कमेंट जो करते हैं ना, फिर बोलते हैं बुरा मत मानना आपके सजेशन दे रहे थे हम, मतलब इतना कुछ बोल भी लेते हैं और फिर बोलते हैं हम सजेशन दे रहे थे। भाई सजेशन देने में, ताने मारने में और डिमोटिवेट करने में बहुत फर्क होता है। पहले आप डिफरेंस पता करके आइए कि सजेशन देने में और ताने मारने में डिफरेंस क्या है, यानी पॉजिटिव कमेंट करके सजेशन देने में और नेगेटिव कमेंट करके डिमोटिवेट करने में क्या डिफरेंस है। तो पहले आप खुद पता करके आइए, देन उसके बाद दूसरों को सजेशन दीजिए। सजेशन देने में और नेगेटिव कमेंट में डिफरेंस है। चलिए मैं करती हूँ फेशियल स्टार्ट, और अभी मूवी आ रही थी सुपर टैक्सी, वो भी देखते हैं और पढ़ा देते हैं टीवी के पास, है ना। टीवी के पास कम करती थी और फेशियल करती है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो बॉक्स था वो खोल लिया है, और सबसे पहले हम लोग फेशियल सबसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम ले रहे हैं अभी क्लिनजिंग मिल्क, और उसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर जो अपना चेहरा है थोड़ा सा वो गीला कर दूँगी। गीला करने के बाद मैं इसे पूरे चेहरे पर डॉट डॉट करके कर लूँगी। हर प्रोडक्ट को आप कम से कम 5 मिनट तक यूज़ करना है। वैसे इस जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके पैकेट पर लिखे हुए हैं, पीछे आप अगर करोगे तो इसके इंस्ट्रक्शन आपको पीछे मिल जाएंगे। इसमें लिखा गया है 2 से 3 मिनट तो आपको करना ही है क्लिनजिंग मिल्क का यूज़, और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने वो कर लिया है, देन उसका मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा गीला करके फेस स्क्रब। स्टेप 2 में फेस स्क्रब यूज़ करना है, जो कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करता है। और यहाँ पर मैं स्प्रे बोतल की हेल्प से चेहरा है वो गीला कर ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं स्क्रब ले रही हूँ। आपको अच्छे अमाउंट में लेना है, तो आपके जितनी भी डर्ट है वो निकल जाए। और मैंने भी अच्छे अमाउंट में लिया था, लेकिन आपको शॉर्ट दिखाने की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर लिया है, मतलब बहुत वीडियो एडिट कर दिया थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पर सेकंड में स्क्रब ले रही हूँ, थर्ड मैंने वॉश कर लिया, अब थर्ड में मैं ले रही हूँ यहाँ पर मसाज जेल। और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी थी, एकदम ब्लैक कलर का था, एकदम बहुत ही अच्छा था। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इसे वॉश कर देंगे। और इसको भी अच्छी तरीके से आपको मसाज करनी है आँखों के नीचे, नोज़ के पास और सब जगह। गीला हो जाए तो पानी का यूज़ कर लीजिएगा। देन उसके बाद मैंने फेस पैक लगा लिया, आप लोग देख सकते हो 4th स्टेप है ये फेस पैक लगाने का। 4th तो अच्छी तरह से आपको लगा लेना है पूरे गाल पर। उसके बाद आपको 5 मिनट तक आपको रखना है, 5 से 8 मिनट तक आपको रखना है फेस पैक।
5 से 10 मिनट तक आप रख सकते हो। मैंने 5-10 मिनट तक रखा था अपने चेहरे पर। देन उसके बाद क्रीम लगानी है, और क्रीम को आपको ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को आपको धो देना है, लेकिन क्रीम को आपको धोना नहीं है, उतना ही करना है जितना कि चेहरे पर वो अच्छी तरह से अंदर चलिए, सोख हो जाए एकदम। तो बस ऐसा ही है, और फिर मैं वॉश कर लूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जस्ट आज पता है मैंने व्लॉगिंग नहीं करी मॉर्निंग से। एक्चुअली मैं आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। और अगर जो लोग खाना वाला लेते हैं वो तो एक जगह खाते हैं, जितना खाया जाता है मतलब पानी पिया जाता है, एक जगह बैठ कर ही पीते हैं, फिर रुकते नहीं है एक बार बैठ जाएँ तो। और मैंने यहाँ पर ये वाली बैंगल्स पहनी है जो उस दिन पहनी थी, वही उसके आसपास बस ये गोल्डन वाली, ये मेरी मम्मा ने मुझको दी थी, वही मैं पहनी हूँ। और मेरी एक प्यारी से सब कमेंट पढ़ रही थी, मैं आज जो मैंने वीडियो डाली थी ना वो वाली, मेरी बेटी के लिए इतना गंदा बोला गया था। मेरे को ये समझ में नहीं आती, कुछ लोग मतलब उन्हें ये नहीं दिखता कि बेटी के लिए इतना गंदा गंदा कमेंट करते हैं, इतने छोटे। आप ही लोग बताइए, एक तरफ हम देवी को पूजते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम इतना गंदा कमेंट करते हैं दूसरों के लिए, दूसरे की बेटी के लिए। सोचिए आप, सपोज करके देखिए, यदि मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती, क्या आप सुन पाते इतना गंदा? नहीं सुन पाते ना, कितनी गुस्सा आती है सामने। दुनिया ऐसा मन करता, दुनिया जाए बाहर में, पहले इसे ही देख लो, देख लो। और हर माँ, वो माँ ही क्या जो अपने बच्चे की रक्षा ना कर पाए। इग्नोर भी मैं इग्नोर करती हूँ, आप लोग कहते हो इग्नोर करो, मैं करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, क्योंकि भाई मुझे कुछ करना है। तो ये हर जगह ऐसे नेगेटिव लोग मिलते हैं, हर जगह गलत लोग मिलते हैं। बट कुछ लोग तो देखिए उस वीडियो के अंदर भी मतलब बोल के गए हैं कि पूरी वीडियो तुमने बातों में निकाल दी, मतलब उन्हें ये शर्म नहीं आई। इतनी बड़ी बात है, ये छोटी बात शायद तुम्हारे लिए हो सकती है क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं है, बट मेरी बेटी मेरे लिए छोटी बात नहीं हो सकती है। उसके बाद और रवलीन कौर करके एक लड़की है, उन्होंने बोला सच में बहुत रूड, उन्होंने कमेंट किया, ऑब्वियसली रिप्लाई करा और ब्लॉग बना दिया। मतलब उनका तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक कमेंट हो सकता है, वो मेरे लिए कमेंट नहीं था, वो मेरी बेटी के लिए बहुत गलत बातें थी। हो सकता है वो कोई भी हो, मेरे घर का ही क्यों ना हो, भाई मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो, मेरी बेटी के लिए अगर वो बोलेंगे मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। मैंने अपनी बेटी किस तरह से जन्म दिया है, मैंने अपनी बेटी का, आप लोग नहीं समझ सकते हो कि मैंने अपनी बेटी को इस दुनिया में कैसे लाया है। मैंने प्रेगनेंसी के 9 महीने कैसे गुजारे थे अकेले। देखिए घर का काम सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस मैंने वो 9 महीने मैंने कैसे गुजारे थे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस मेरी बेटी दुनिया में आती या नहीं आती ये बात भी मुझे नहीं पता थी, लेकिन बस कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरा भगवान हमेशा साथ देते हैं, हमेशा देते हैं। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो भगवान मेरा खुद से साथ देते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम से निकाल देते हैं मुझको। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी, बट मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। आप लोग खुद सोचिए, मेरे पास सिर्फ एक मेरी बेटी है जिसके साथ मैं सुख दुख हंसी खेल त्योहार सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा इंसान नहीं है ना। तो आप लोग इस तरह से कमेंट कैसे कर सकते हो कि एक बेटी मेरी बेटी के लिए कि मतलब कमेंट कर। मैं हाल फिलहाल नहीं किसी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, छोटे मोटे में इग्नोर कर देती हूँ। कोई गाली भी दे जाता तो भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए अगर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यदि वो औरत मेरे सामने होती, अगर हिम्मत है अभी भी, तो मेरे सामने आकर दिखाए, और फिर जो हाल मैं करूंगी वो वीडियो भी मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी। एक सबक होगा ऐसी औरतों के लिए जो कि दूसरी औरतों की बेटियों को या दूसरी औरत के लिए इतना गंदा बोलती है, एक औरत के लिए वो सबक होगा। और सोशल मीडिया की बात रही, सोशल मीडिया गई भाड़ में और तेल लेने, पहले मेरी बेटी मेरे लिए जरूरी है, पहले मेरी बेटी मेरे लिए जान है, सोशल मीडिया मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। दूसरा नंबर, एक और चीज, अगर उस औरत ने सोशल मीडिया पर मेरे से कुछ बोला है तो वो रिप्लाई भी सोशल मीडिया पर ही लेगी, अगर वो सामने बोलेगी तो सामने लेगी। पीछे में एक रेखा चौहान करके लड़की है, तो वो बोल रही है किसी अपंग, इसका पहला कॉमेंट था, आपने अभी तो अपनी सिस्टर इन लॉ को अपंग बोलते थे, तब कहाँ गई थी? मैंने कभी अपनी सिस्टर को अपंग नहीं बोला, मैंने ये बोला थोड़े उनके पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की जितनी सेवा करी है ना,
जितनी फुल प्रेगनेंसी, मेरा 8th मंथ से ऊपर ही था और उनका पैरों का ऑपरेशन हुआ था। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे, फुल पलस्तर चढ़ रहा था पैरों पर। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे हेल्दी है, ध्यान रखिएगा, मुझसे हेल्दी है। और मैंने ये कहा है पैरों में उनकी प्रॉब्लम है, वो थोड़े से चल नहीं पाती। मैंने कभी उनको अपंग नहीं बोला, मैं उनको क्या, मैं किसी को नहीं बोल सकती। आप लोग जानते होंगे, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, मेरी सिस्टर इन लॉ तो पास बहुत कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे से लेके किसी चीज़ की। लेकिन मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसके हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं, उसकी शादी हो गई है, उसके दोनों पैर में पैरालिसिस है, चल नहीं पाती। तो उसका जितना होता है ना उतना मैं करती हूँ, जितना मेरे से बन पाता है, उसके बेटे के लिए बुक्स वगैरह देना। और ये बात मैं सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हर बात नहीं की जाती। अगर मेरी बेटी पे 4 कॉपियां है ना, तो 2 कॉपी मैं उसके बच्चे को दे आती हूँ। मेरी बहन ने उसके बच्चे को ट्यूशन फ्री में पढ़ाया। जितना हमसे हो पाता है ना उतना उसके लिए करते हैं। तो ये बात मेरी सिस्टर इन लॉ की नहीं, मेरी, अगर मेरे सामने कोई और भी औरत होगी, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मेरे जस्ट बगल में भाभी रहती है, आपको नहीं पता कि उनके साथ कितना गलत हुआ था। ये बीबी उसको भी मारते पीटते हैं देवर, मैंने बहुत घर देखे हैं। तो उन भाभी के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और कोई नहीं था, कोई क्यों होगा, क्योंकि वो सबसे छोटी हैं, उनकी जो बहन वगैरह हैं वो सपोर्ट करती हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन डेली डेली तो कोई आ नहीं सकता। मैं यहाँ पर रहती थी, उनके हस्बैंड को कोई समझा, जैसे मेरे हस्बैंड को कोई समझाने वाला नहीं है, वैसे उनके हस्बैंड को कोई समझाने वाला नहीं था। मैं भैया को हमेशा समझाती हूँ कि भैया अपनी फैमिली को देखो, उनकी बातों पर भरोसा करो, लेकिन भाभी की पहले भी, भाभी की भी बात सुन लो, भाभी के बच्चों की भी बात सुन लो, मतलब भाभी के बच्चों के वो तुम्हारे भी बच्चे, उनकी भी बात सुन लो और उसके बाद कोई डिसीजन लो। तो प्लीज़ गलत तो बिल्कुल भी मत बोलो, है ना। मैं उनको भी समझाती हूँ, आज वो ही भैया, वो ही हस्बैंड, मतलब भाभी के हस्बैंड बिल्कुल कलेश नहीं करते, यहाँ तक कि वो हस्बैंड जो वो ही भैया कभी भी अपने भैयाओं की बातों में आकर रोड पर भी थप्पड़ मार देते थे भाभी के। आप सोचिए, वही भैया मैंने चेंज कर दिए। मतलब कोई इंसान गलत नहीं होता, सिर्फ उनको सही दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। मैं बस इतना ही बताऊंगी, जो हस्बैंड है ना भाभी के, वो किसी भी जगह उनके हाथ पे हाथ उठा देते थे, या कहीं भी, मतलब चाहे उनके मम्मी पापा बैठे हों, चाहे उनके भैया छोटे बच्चे बैठे हों, चाहे छोटे भैया के बच्चे बैठे हों, वो कहीं भी गाली दे देते थे, कहीं भी हाथ उठा देते थे, मतलब ये नहीं देखते थे कहाँ कहना है कुछ भी। ये सारी बातें मुझे भाभी ने बताया, मुझे इतना रोना आया, मैंने भैया को बहुत समझाया। और जब भी वो आते हैं तो मैं हमेशा उनको समझाती हूँ, हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, भैया ये चीज़ की कमी है, भाभी के लिए ये ला दो। भाभी नहीं बोलते कभी भी अपने लिए चीज़ लाने की, मैं ही बोलती हूँ कि भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। आज वो अपने बच्चों की और अपनी बीवी की बहुत बात सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर किसी का परिवार मैं बना पाती हूँ। देखिए, इंसान कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं मिलते। मेरे हस्बैंड को भी सही दिशा दिखाने वाले अगर कोई बड़ा मिल जाए ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ, मतलब इतना गंदा, मतलब बच्चों के लिए तुम बोलते हो, वैसे तुम बोल रहे हो कि मैं मतलब कि ऐसे करेंगे, मतलब समझ से बाहर है। चलिए छोड़ते हैं, इन लोगों को भगवान देख रहा है, और क्या नहीं, क्या बोला यार। जो मैंने किसी के साथ अच्छा कराया तो मुझे अच्छा मिल रहा है, मैंने बुरा कराया तो मैं बुरा मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी मतलब मैं हस्बैंड के साथ मंदिर से आई थी, तो हम लोग के मंदिर में ना अभी सारे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है, मतलब पीपी मशीन से चेकअप किया जाता है मंदिर आने से पहले कि हम लोग को कोरोना तो नहीं है। तो दिया का, मेरा, मेरे हस्बैंड का कोरोना चेक हो गया है, हम लोग नेगेटिव हैं, और भगवान की दया से सभी नेगेटिव रहे, किसी को ये बीमारी ना लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरी गली के इधर साइड एक गली है, वो सील कर दी गई है, क्योंकि वहां पर है ना एक साइड पेशेंट पॉजिटिव निकला है, मतलब मेरी गली की नहीं, थोड़ा बहुत दूर है, मतलब तो उस तरीके से, तो वहां पॉजिटिव निकला है तो वो सील कर दी है। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम अपने बाइक पर गए थे, और वहाँ इसीलिए मैं शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं फ़ोन लेकर नहीं आ रही, मैं बताऊँ तो, क्योंकि एक हाथ में मंदिर का सामान होता है, एक हाथ में डिब्बी होता है, फिर फ़ोन किसको पकड़ाया जाए, तो ये चीज़ लेकर नहीं आ रही। फिर वहाँ पर चेकिंग हो रही है, तो क्या फ़ायदा है ना ऐसे। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मैं कुछ न्यू लुक करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से बोल रही थी आपसे। चलिए मिलती हूँ।